जिस तरह से विरोध कर रही है, प्रदर्शन भी कर रही है आरक्षण को लेकर के, बोलते बोलते आपके खिलाफ और जदयू के खिलाफ दोनों भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी, आरक्षण विरोधी, चोर मचावे सो रहे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है जोर। लेकिन बिहार के अंदर में सब लोग जानते हैं कि भाजपा से कोई अगर अपेक्षा करती है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब के समर्थन में आ जाए, पिछड़ों के समर्थन में आ जाए, तो कतई संभव नहीं। जिनकी प्रस्तावना, जिनके हिडन एजेंडा, जिन संगठनों के माध्यम से चलता है देश के अंदर में, वही गरीब विरोधी, पिछड़ा दल पिछड़ा विरोधी है भैया, उससे क्या अपेक्षा। ये तो चोर मचावे शोर भाजपा। अरे यही व्यवस्था थी ना भाई, एक बात आप जान लीजिए, इसी व्यवस्था के तहत पूरे बिहार में चुनाव होते रहे पंचायतों के, नगर निकायों के। आज कौन सी सियाफत आ गई, कौन सा माध्यम आपने चुन लिया, प्रोत्साहन वितरण के माध्यम से नगर निकायों पर आपने अंकुश लगाने की कोशिश की, तो कोई बिहार चुप बैठेगा क्या। भाजपा भारत जलाओ पार्टी है, गरीब जलाओ पार्टी है, इनको देश से न मतलब है, न गरीब से मतलब, न है आरक्षण से मतलब ही नहीं है। तब तो इन्होंने सारे सेक्टरों को प्राइवेट सेक्टर में डाल दिए, सबसे बड़े बड़े नियोक्ता थे जो बेरोजगारी को दूर करता था। इनसे क्या अपेक्षा है, कौन क्या बोल रहा है, बैठ करके चिल्ला रहा है, इन लोग विधवा विलाप कर रहा नहीं मालूम है आप लोग। ये सब तो आधा लोग राजदे से ट्रेनिंग लेके गया है, हम नाम लेना नहीं चाहते, जिनका जिनका लड़कपन भी ही है, बीता जवानी भी ही है हुआ, वहाँ जा करके हाल के दिनों धर्म परिवर्तन किए, उनसे क्या आप अपेक्षा रखते हैं। पार्टी ने आचार संहिता कायम कर दी है, किसी व्यक्ति को आचार संहिता के खिलाफ जाने का अधिकार ही प्रदत्त नहीं है। जो विषय जिनके लिए अपेक्षित है, जिनको अधिकृत किया गया है, वो बोलेंगे। लेकिन जो मीडिया कर्मी को मैं देख रहा हूँ हाल के दिनों में, कि आपको क्या अन पड़ी है भाई, कि जब पार्टी ने लाइन तय कर दी है तो पार्टी बेलाइन कहाँ लेने जाते हैं खबर भाई, जब अधिकृत नहीं है तब तो थोड़ा सा आप लोग भी देखिए। तो सभा में विधायक बोल रहे हैं, पार्टी लाइन के विरुद्ध बोल रहे हैं, पार्टी लाइन के विरुद्ध बोल रहे हैं, तो पार्टी देख न रही है, पहले भी देखी है ना पार्टी, फिर देखेगी।